किते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी, आपका डॉक्टर। में आज बात डेंगू की। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। डेंगू का एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। आमतौर पर किस तरह से डेंगू के मच्छर से बचाव करें, खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरीके की डाइट को फॉलो करें और वो कौन से तरीके हैं जो अपनाएं, इन सभी पहलुओं पर आज हम करेंगे बात। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से पूछ सकते हैं अपना सवाल। तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है, मनोहर सरकार सुविधाएं मुहैया करा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्त किया गया है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की व्यवस्था की गई है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का भी सरकार की तरफ से विस्तार किया गया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों सहित 8 वर्गों को भारत आयुष्मान योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5,000 रुपए, निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1,000 प्रतिदिन और 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात भी सरकार ने कही है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो डेंगू पर प्रहार मनोहर प्रयास असरदार। प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हर बार मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए नहीं देने होंगे पैसे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त SDP यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने का फैसला। पिछले साल 8,500 रुपये थी SDP की कीमत। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डेंगू की यानी टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो आपका डॉक्टर में हम करेंगे आज डेंगू की बात कि किस तरीके से आप अपने परिवार को, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इस डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू का प्रकोप आमतौर पर मौसम बदलने के साथ देखा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल शर्मा हैं, BMS फिजिशियन हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। स्वागत है सर आपका इस खास चर्चा में अपना समय निकालने के लिए। और प्रदीप कुमार जी भी एडिशनल SMO हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर किरमिट से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल मैं आपके पास आना चाहूँगा प्रदीप कुमार जी, साधारण बुखार और डेंगू में अंतर आपके माध्यम से मैं समझना चाहूँगा कि क्या अंतर होता है, किस तरीके से लोग उसको पहचाने, क्योंकि बढ़ते डेंगू के मामले कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में घर पर अगर कोई किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, क्योंकि सीजनल फीवर भी इन दिनों चल रहा है, ऐसे में डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचान पाएं, घर पर जो लोग रहते हैं वो कैसे पहचान पाएं, जांच पाएं कि डेंगू है या नॉर्मल फीवर है। धन्यवाद जी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो डेंगू का बुखार होता है वो एकदम अचानक से इसकी शुरुआत होती है, तेज बुखार और सिर दर्द के साथ आमतौर पर, और इसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहा गया है, क्योंकि बुखार के साथ जो है हमारी मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये भी बड़ा सामान्य होता है इसमें जी। और इसमें एक खास लक्षण होता है बुखार के साथ कि आँखों के पीछे की तरफ दर्द महसूस होता है मरीज को, और अगर वो आँखों को घुमाएगा जी इसे तो उसको और ज़्यादा वो महसूस होगा। तो ये इसके खास लक्षण है, आम बुखार से इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं जी। जिस तरीके से डॉक्टर प्रदीप बता रहे थे, डॉक्टर कौशल मेरा ये पूछना है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रदीप ने जो बातें बताई हैं, अगर एक सवाल यहाँ पर ये बहुत अहम है कि डेंगू अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो
कहीं ना कहीं वो अपनी इम्यूनिटी वीक होती है, ये तमाम फैक्टर्स भी रहते हैं। सर मेन फैक्टर्स क्या रहते हैं कि डेंगू पर ओवरकम किया जा सके, उस पर काबू पाया जा सके? क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं कि भाई डेंगू हो गया, जैसे स्वाइन फ्लू चल रहा था शुरुआती दौर में, आपने भी देखा होगा कोरोना चल रहा था, तो लोगों को डर ही खा जाता है कि अब कोविड हो गया या फिर डेंगू हो गया, कि भाई आधे से ज़्यादा तो इलाज करा ही नहीं पाते कि पहले डेंगू हो गया। तो उस वजह से कैसे अपना बचाव कर पाएं, उस जो समस्या है डर की, उससे कैसे ओवरकम कर पाएं? देखो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि दो चीजें हैं। एक तो डेंगू जो है मच्छर के काटने से हो रहा है, तो हमें वहां बचाव करना है, एक्सपोजर टू मॉस्किटो, जिसमें हमें सावधानियां रखनी है, जैसे अपने शरीर को हमने कवर रखना है, फुल स्लीव्स की जो है शर्ट्स डालनी है, और जो आसपास सफाई रखनी है घर के, कहीं भी ठहरा हुआ पानी ना हो जहाँ पे ये मच्छर पैदा होता है। जी। जैसे कि अगर आप देखें कई बार घरों की छत पे जो है कुछ एक टूटे हुए बर्तन रखे होते हैं, जी, आम बात होती है, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां मच्छर पैदा होता है, तो ये डेंगू का मच्छर जो है वहां पैदा होता है और वो डेंगू का कारण बनता है। दूसरा क्या है कि ये तो हुई ये बात की किस तरह से हम मच्छर से बचाव कर सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा है हम अपने शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी जिसको आप कहते हैं, उसको स्ट्रोंग रखें। तो उसमें यूं नहीं है कि एक दो दिन में इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाती है, हमें ईटिंग हैबिट्स हमारी अच्छी रखनी पड़ेंगी जी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फूड हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जितने भी विटामिन सी रिच फूड है, जैसे कि संतरा है, माल्टा है, नींबू है, ये जो है विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट अप करता है, तो हमें जो है इनको रेगुलरली हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि हमें इनटेक ऑफ फ्लूइड, दैट्स मैटर। यूजली क्या होता है, विंटर सीजन होता है या बाकी सीजन में हम इनटेक ऑफ फ्लूइड काफी लापरवाह हो जाते हैं जी। तो जी, हाइड्रेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए जी। तो हाइड्रेशन हम कैसे रख सकते हैं, सिंपल पानी से, फ्रूट जूसेस से, जिसमें नारियल पानी, सिट्रस फ्रूट जूस, तो ये सब लेके जो है हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं, ताकि अगर हमें ये डेंगू फीवर हो भी सही तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है जी। तो हम जो है सीवियरिटी से बच जाएंगे जी, हम कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इम्यूनिटी को मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप, मेरा सवाल यह है कि कोविड के केसेस में भी हमने देखा था कि जिन पेशेंट्स को कोविड हो गया था तो उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक थी या कोई और उनको बीमारी थी, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम से कोई जूझ रहा था, किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उस पर कोविड ने ज़्यादा अटैक किया, किसी का एज फैक्टर था, कोई छोटा बच्चा था उस पर ज़्यादा अटैक किया, अमूमन यूथ पर भी कोविड का असर रहा। क्या डेंगू के केस में भी सेम रहता है कि देखा जाए तो क्या ये तमाम फैक्टर्स जो कोविड के दरमियान देखे गए थे कि अटैक जब डेंगू करता है तो सेम रहते हैं या फिर उससे कुछ अलग होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। जी ये एक वायरस है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये वायरस है। वायरस का जो काम करने का तरीका ही यही होता है कि वो सबसे पहले उस मरीज को पकड़ेगा जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है जी, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसकी अगर कम है तो सबसे पहले वो उसी तरह के मरीज को अफेक्ट करेगा और उसी को वो उसी के अंदर अपने पैर पसारेगा जी। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि हम अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें, पानी हम पूरा पीते रहें, हमारे जो शरीर की पानी की मात्रा है, हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम खाना वगैरह के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कई बार, लेकिन हम पानी का जो इम्पोर्टेंस है, पानी की जो महत्वता है उसको भूल जाते हैं जी। तो पानी की महत्वता को कभी ना भूलें, जितना हमारे शरीर को पानी चाहिए, हमारे उम्र के, हमारे शरीर के आकार के हिसाब से हम उतना पानी जरूर लें। उसमें पानी के अलावा हम जैसे कई गाँव में आम प्रचलन है कि दूध के ऊपर काफी जोर दिया जाता है, दूध और लस्सी के ऊपर, तो वो भी एक तरह से फ्लूइड की श्रेणी में ही आते हैं। तो अगर हम पानी, लस्सी, दूध और इस तरह के पेय पदार्थों को मिला के अगर दिन के 10-12 ग्लास
या 12 से 13 ग्लास अगर हम पूरे ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो पानी की कमी है हम उसको पूरा कर सकते हैं। जी और खाने में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि विटामिन सी, और अगर हम कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि कोई ना कोई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई हम जरूर लें जी, ताकि हमारी जो अंदर अंदरूनी जो क्षमता है वो बनी रहे। जी डॉक्टर प्रदीप, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर कौशल ने भी यही बात बताई कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि अपने को मतलब जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि गर्मियों में तो हम पानी अमूमन पी ही लेते हैं क्योंकि वातावरण की वजह से जी, तो ऐसे में अगर सर्दियों में अमूमन देखा यही जाता है कि पानी इंटेक नहीं कर पाते हैं। ये मेरा सवाल आपसे है कि सर्दियों में किस तरीके से चीज़ों को क्या लें क्या खाएं जो पानी की मात्रा का ज़्यादा सेवन कर सके, क्योंकि अमूमन देखा होगा आपने प्यास भी नहीं लगती, हम अपनी और आपकी बात कर लें तो अमूमन प्यास नहीं लगती है। तो मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। इस बीच एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुधीर हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं। सुधीर स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे को आज से 10 दिन पहले डेंगू हुआ था, यानी कि डेंगू 10 दिन पहले मैं ठीक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन उसके बाद मेरी बॉडी में अब तक इतनी वीकनेस है कि मैं सच बताऊँ तो एक किलोमीटर भी चलता हूँ तो बहुत बुरी तरीके से थक जाता हूँ। डॉक्टर प्रदीप, बिल्कुल ऐसा, ये वायरल की कोई भी बीमारी हो तो हमारे शरीर में इसका जो असर है वो लगभग जो बीमारी की जिसे कहते हैं कि स्टेज को अगर हम सभी स्टेजेस को मिला लें तो 15 से 17 दिन का हमारा समय हमें हमारे शरीर को वापस अपने पुराने उसमें आने में लगता है जी। तो अगर ये बता रहे हैं कि 10 दिन पहले ये अगर ठीक हुए हैं तो और 5-7 दिन का इनकी बीमारी रही होगी, तो अब ये ठीक होने की तरफ अग्रसर हैं एक तरह से जी। तो अगर ये अपना खाना और अपना जो खुराक है, अपना जो पानी की मात्रा है, खाने पीने की जो अच्छी चीजें हैं, अगर ये लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में इनको जी पहले जैसा बीमारी से पहले की तरह फील होना शुरू हो जाएगा जी। उम्मीद करते हैं सुधीर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर प्रदीप जिस तरीके से बता रहे थे। डॉक्टर सर, मेरा सवाल आपसे वही है डॉक्टर प्रदीप जो मैंने आपसे किया था, आपका आपसे उस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप हैं जीन से, उनके पास जाएंगे। डॉक्टर कौशल शर्मा, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी सर, मेरे ना पिछले कई दिनों से ना शरीर में जकड़ सी आ रही है सर, तो उसको लेकर पूछ रहा था सर मैं, डेंगू में कुछ ऐसा थोड़ी है सर। जी डॉक्टर कौशल, डेंगू में सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर के साथ जो है बॉडी एक जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, स्पेशली जो सिम्टम मैं बताना चाहूंगा जो हमें डेंगू का शक डालते हैं वो है हेडेक, और खास तौर पे आंखों के पीछे बिहाइंड द आईज पेन महसूस होता है, मूवमेंट ऑफ आईज पे भी हमें पेन महसूस होता है, और जितने भी जोड़ है हमारे शरीर के, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, ये सब खूब दर्द करते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, स्पेशली आंखों के पीछे दर्द और जॉइंट पेन, अगर ये हमें हो रहा है तो हमें पूरा शक जाता है कि ये डेंगू फीवर हो सकता है, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। उम्मीद करते हैं प्रदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो लक्षण डॉक्टर कौशल ने बताए हैं आप उनका ख्याल रखें, उनको ध्यान रखें। अगर इस तरीके का कोई लक्षण है तो अपना तुरंत आप चेकअप कराएं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, और उसके बाद अपना उपचार लें। डॉक्टर प्रदीप, मेरा वही सवाल कि किस तरीके से पानी की मात्रा को सर्दियों में बढ़ाया जाए। जी ये एक बहुत ही आम समस्या है जो कि सभी के साथ रहती है कि सर्दियों में हम अपने पानी की मात्रा को कैसे पूरा रखें। और अगर आप अपने ही आसपास के लोगों को देखें, अपने परिवार, अपने मित्रों को, खास तौर से बुजुर्ग लोगों को, तो समय के साथ उनकी जो पानी लेने की मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है जी। और आपने देखा भी होगा कि कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो जिनको मतलब प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, उनकी चमड़ी बहुत ही सूखी हुई और बहुत ही ड्राई, और कई तरह की उनको दिक्कतें होती हैं, कब्ज होती है उनको, तेजाब की दिक्कत होती है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं उनकी पानी कम लेने की वजह से ही है जी। तो अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा पूरी होगी तो जो तरावट हमें चाहिए, जो हमारे
पेट को, हमारी आंतों को, जब हमारे चमड़ी को और बाकी सभी अंगों को जो उतरावट चाहिए वो तभी पूरी होगी। जी तो जैसे कि आपने पूछा कि कैसे इसको पूरा करें, तो सर्दियों में वही बात है कि ठंडा पानी पीने की ज्यादा इच्छा नहीं हो पाती, तो इसका तरीका ये कर सकते हैं हम कि एक छोटा कैंपर हम जिसे कहते हैं, जिसमें कि पानी थोड़ा अगर ठंडा रख डालेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा, तो 15-20 लीटर का एक कैंपर हम सुबह उसमें थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल दें तो वो लगभग 8 से 10 घंटे तक उसमें हल्का गर्म रहता है, और जैसे ही वो आपको कैंपर दिखे तो एक ग्लास उसमें से भरें और पी लें। जी खास इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप खाना खाएं तो खाना खाने से 5 या 7 मिनट या 10 मिनट आप पहले एक गिलास पानी पिए, खाने के साथ पानी ना पिए, खाने के 5 या 10 मिनट बाद, 10 या 15 मिनट बाद फिर पानी पिए। उससे क्या है कि आपकी जो खाना पचाने की जो शक्ति है वो भी इम्प्रूव होगी, खाना आपका सही हजम होगा, और जो आपको गैस तेजाब की दिक्कत होती है कई बार कई लोगों को खाना खाने के बाद, वो नहीं होगी। जी तो एक तो तरीका ये है पानी बढ़ाने का। दूसरा, जैसे गांव मैंने बताया कि गांव के लोगों में ये बड़ी आम, हमारे हरियाणा में तो ये खास है कि लस्सी के बिना वो खाना नहीं खाते, तो क्योंकि गांव में लस्सी बड़ी आराम से उपलब्ध है, तो एक अच्छा पेय पदार्थ है लस्सी, तो उसको भी वो अपने पानी की मात्रा में जोड़ सकते हैं जी। थोड़ा सा उसको कई कई जगहों कई घरों में बहुत ही वो गाढ़ी होती है, वो जो लस्सी होती है उसके अंदर मक्खन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की या कोई इस तरह की दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा छान के ले लें ताकि उसके अंदर का जो मक्खन है वो कम हो जाए। ठीक है जी, जी। डॉक्टर सर यहाँ पर आपको जी जी पानी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, प्रदीप डॉक्टर प्रदीप हमें बता रहे थे। जी मैं ये भी कहना चाहूंगा जब अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है बुखार से रिलेटेड तो आप नींबू, ठीक है आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ जी डॉक्टर सर, एक्चुअली क्या एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राहुल है जी इनसे, राहुल स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं डेंगू से ना रिकवर हो चुका हूँ तो अभी वीकनेस हो रही है, मुझे क्या ऐसा मतलब खान पान में किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा बता दीजिए। खान पान इसमें कोई विशेष खान पान की जरूरत नहीं होती, जो हमारे अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार है, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा ले, साथ में अपना 1 या 2 बार दिन में सलाद जरूर खाएं, दिन में 1 बार फल जरूर लें, कोई भी फल ताज़ा फल मैं कहूँगा कि आप लें। जूस के बारे में ना ज़्यादा सोचें कि हम जूस पी लेंगे तो, क्योंकि जूस से क्या होता है कि जो फल का गूदा होता है वो मिस हो जाता है जी, सिर्फ जूस जूस आपके शरीर में जाएगा, तो ताज़े फल आप खाएं, चाहे वो कोई भी फल हो, जो भी सीजनल फल हैं वो लें, सलाद, हरी सब्जियाँ, दाल, पनीर, ठीक है, सोयाबीन, ये वो पदार्थ हैं जिनसे आपके जो भी शरीर की इम्यूनिटी अगर कम हुई है तो वो पूरी हो सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं अपने अगले दर्शक के पास जाना चाहूँगा क्योंकि विनीत कुमार हैं डॉक्टर सर हमारे साथ, दर्शक ज़्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं। डॉक्टर कौशल मैं आपके पास आता हूँ इनके सवाल के साथ। विनीत कुमार हैं रोहतक से जुड़ गए हैं, विनीत स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो सर नमस्ते जी। नमस्कार सर, वो है ना मेरे को बुखार हुआ था, टाइफाइड हो गया था जी, उसके होने बाद में पेट में पेन है जी, मतलब किस लिए है वो पेन, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा होता है कि कोई भी बुखार होता है चाहे वो वायरल है, अभी अभी आपने बताया कि आपको टाइफाइड हुआ था, तो ये टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारी जो आंतें होती है उनमें जख्म हो जाते हैं जिनसे हमें जो है कई बार खून भी रिसता है लैटिन के रास्ते, तो वो कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में अगर हम समय से इलाज नहीं लेते तब होता है। इसके बाद क्या होता है, जब रिकवरी फेज आ जाता है पेशेंट का, टाइफाइड से रिकवर हो जाता है पेशेंट, तो बॉडी को थोड़ा समय लगता है अप टू डेट करने में, उसमें जो है हम अच्छी न्यूट्रिशन रख के, जो न्यूट्रिशन हमें इम्यूनिटी बूस्टर हो, शरीर को अच्छी कैलरीज दें हम, तो इसमें हम जो है अपनी डाइट में हमें प्रोटीन रिच और आयरन रिच जितने भी फूड हैं उनको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा
पहले भी बात की गई है कि विटामिन सी रिच जो भी फूड है, जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, उनको हम अपनी डाइट में शामिल करें जी. तो इस वीकनेस से और हम जो है उबर सकते हैं बड़ी आसानी से. तो हमें अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान देना है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है जी. ताकि जो हमें वीकनेस आई है बीमारी से वो रिकवर हो. बिल्कुल, उम्मीद करते हैं विनीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. डॉक्टर सर, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ कृष्ण कुमार धैया हैं पंचकुला से, उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर प्रदीप आपके पास आना चाहूँगा. कृष्ण कुमार जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए. हाँ सर, नमस्कार सर. सर मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से पूछना चाहता हूँ सर जी. कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप आपका सवाल सुन रहे हैं, पूछिए. हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अब मौसम चेंज हुआ है तो मुझे सर सिर में बड़ा मतलब कई बार रात को दर्द हो जाता है सोता हूँ तो, और आंखों के आगे अंधेरा सा छाया रहता है सर, तो कोई बुखार भी नहीं हुआ मुझे. एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्या बोला इन्होंने शुरू में? हाँ बिल्कुल, नहीं आती सर रात में. डॉक्टर प्रदीप, कृष्ण कुमार का ये सवाल है कि सिर में दर्द रहता है, बुखार है नहीं, लेकिन रात में इनको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या रहती है और सिर में दर्द ज्यादा रहता है. अच्छा जी, कितनी उम्र है इनकी? आपकी उम्र कितनी है जी? कृष्ण कुमार अगर आप सुन रहे हो तो आप अपनी एज बता दें, आपकी उम्र कितनी है? 59. देखिए इस उम्र में मैं चाहूंगा कि आप अपने जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है वहां से अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा रेगुलर. ठीक है ठीक है, आपका सवाल जी डॉक्टर सर अब आपको बता रहे हैं. कृष्ण कुमार जी संयम के साथ सुनिए, आपके डॉक्टर सर ने सवाल ले लिया है, अब आप जवाब सुनिए जो उपचार वो बता रहे हैं. हाँ जी कृष्ण कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है हर रोज उसे चेक कराएं अपने जो भी नजदीकी जो भी आपके हॉस्पिटल पड़ता है, और दूसरा आप अपना एक नज़र की जांच कराएं. तो मैं समझता हूं कि इन दोनों जांचों से आपका कोई ना कोई निकल के आएगा डायग्नोसिस, लेकिन इसके अलावा मैं अभी फिलहाल आपको और कोई सलाह नहीं देना चाहूंगा जी. उम्मीद करते हैं कृष्ण कुमार आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. तमाम जांचें जो डॉक्टर प्रदीप ने आपको बताई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको जल्द से जल्द कराएं जिससे कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो आपके. डॉक्टर कौशल, मेरा सवाल अगला आपसे है, डेंगू में प्लेटलेट्स गिरते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएँ, कुछ मना करते हैं, सही किसे माने? देखिए ऐसा है कि जो डेंगू में वायरस जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है जी. तो इसमें जरूरी नहीं कि हर केस में जहाँ प्लेटलेट्स गिर रहे हैं हम प्लेटलेट्स देना जरूरी समझें, ये डिपेंड करता है, सीवीटी पे डिपेंड करता है. अगर कहीं पे कोई हेमरेजिक लक्षण है क्योंकि तो प्लेटलेट्स जो होते हैं अगर कम हो जाएं जी. तो शरीर में कहीं से भी खून घिसने की संभावना रहती है जी. ठीक है, तो हेमरेजिक डेंगू में हमें जो है प्लेटलेट्स देना जरूरी हो जाता है जी. अदरवाइज जितना क्या होता है बाकी जितने भी सिम्टम्स हैं, डेंगू फीवर है, अगर कहीं हेमरेजिक लक्षण नहीं है तो उसको बिना प्लेटलेट चढ़ाए भी जो है हम डेंगू से रिकवरी दे सकते हैं पेशेंट को. मेन क्या रहता है इसमें कि बॉडी को हमने खूब हाइड्रेट रखना है. बिल्कुल, यहाँ पे फ्लूइड थेरेपी, चाहे वो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हो चाहे वो आईवी लाइन से हो, वो इसमें मायने रखती है. बिल्कुल बिल्कुल, डेंगू होने के बाद हमें करना क्या होता है कि 2-3 लीटर फ्लूइड जो है अलग अलग तरह से, जैसे प्लेन वाटर हो गया, नारियल पानी हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, हमें खूब मात्रा में जो है लिक्विड हमने लेना है ताकि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकें जी. तो ये हाइड्रेशन जो है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होता है बेसिकली, तो प्लेटलेट्स बढ़ने में खूब मदद करता है जी. होता क्या है पेशेंट जो है इतना हाइड्रेट नहीं कर पाते खुद को, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस केसेस में जाके प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आती है या फिर प्लेटलेट्स देने की नौबत आती है जी. जी, तो तमाम जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, दोनों में डॉक्टर सर अंतर बता रहे थे कि किस तरीके से कब पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और कब नहीं. इस बीच एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एक दर्शक हमारे साथ हैं जगदीश चंद्र हैं गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर प्रदीप आपके पास आ रहा हूं, उनका सवाल लेते हैं. जगदीश जी स्वागत है, अपना सवाल करिए. सर मेरा सवाल ये है जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी जी
मेरे गले में बड़ी खराश रहती है, जब सुबह सुबह उठता हूँ ना जी, तो उस टाइम बड़ी परेशानी होती थोड़ी 10-15 मिनट के लिए, और जब खाना सूखा खाना खाता हूँ सूखी सब्जी तो गले में अटकती है, तो इसके लिए क्या इलाज की जरूरत है जी? डॉक्टर प्रदीप से ही जवाब लेना चाहूंगा। डॉक्टर प्रदीप जी, जी जी बिल्कुल, मेरे को इनके लक्षण थोड़ा सा वही पानी की कमी के नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि हम सभी अपने मरीज हों चाहे अपने दोस्त रिश्तेदार हों, सभी को यही सलाह दी जा देते हैं कि भाई सुबह उठ के हम सबसे पहले जो है पानी पिए, थोड़ा अगर सर्दी का मौसम है हल्का कोसा पानी हल्का गर्म पानी हम गर्म लेंगे तो जो पूरी रात की जो खुश्की है वो अचानक एकदम से दूर हो जाएगी, और उसके बाद जो भी इनको ये महसूस होता है जो सुबह जो खराश और जो ये फील होती है ये सब नहीं होगी जी। पूरे दिन में अपना जो पानी की मात्रा है जो फ्लूइड की मात्रा है वो पूरी रखें। पानी तो सर, पानी तो मैं समझता हूँ कि पानी तो मैं खूब पीता हूँ। हेलो, ठीक है अंकल जी, आप सुबह मैं पानी तो खूब पीता हूँ, लेकिन एक बार जो खाना खाता हूँ वो वापस उल्टा आता है, ये क्यों प्रॉब्लम है? देखिए इसमें आपकी एज कितनी है जी? 74। फिर तो आपको एक बार एक ENT सर्जन जो कान नाक गले के विशेषज्ञ होते हैं एक बार उनकी सलाह लेना मेरे लिए, मेरे को लगता है कि जरूरी हो गया आपके लिए कि गले की जांच आप जरूर करवाएं एक बार, कि कोई अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी या कोई ऐसी वो कोई नई बीमारी तो नहीं पनप रही जी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपकी फ्लूइड की मात्रा को ठीक करके दूर हो सकती है, लेकिन एक बार आप ENT सर्जन से जरूर सलाह करें इस बारे में जी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद दवाइयाँ ना लें क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस लें, उसके बाद ही आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि डेंगू जैसी बीमारियां या जिस तरीके की समस्याएं लोगों को बदलते मौसम में होती हैं, स्मॉग की वजह से हो जाता है कई बार छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी बन जाती है, तो ऐसे में आप अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं प्रॉपर सजेशन ज़रूर लें, इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उसके बाद ही बीमारी का ईजिली डायग्नोज हो पाए। डॉक्टर सौरभ जी इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन खास तौर से एस्पिरिन की गोली आपने सुना होगा जी, जी जो आम गोली हम पहले सरदर्द की सेरिडॉन और एस्पिरिन की गोली होती थी जी, तो वो खास तौर पे डेंगू में हम बोलते हैं कि उसको नहीं लेना चाहिए जी, क्योंकि वो प्लेटलेट्स की मात्रा को कम कर सकती है जी, तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन यानी अपने आप उस तरीके की दवाई लेना जी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, और जो आपने एस्पिरिन टैबलेट जो बताई है इससे मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और ये चाहूंगा कि वो सावधान रहें, डॉक्टर सर जो एस्पिरिन की टैबलेट बता रहे हैं या इसके अलावा और भी कोई टैबलेट्स हो जो वो सेल्फ लेते हैं वो ना लें। ब्रूफेन होती है जैसे ब्रूफेन और एस्पिरिन जी जी, ब्रूफेन और एस्पिरिन इन दो दवाइयों से बचें और खासकर सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके बचें। डॉक्टर कौशल मेरा एक सवाल आपसे ये है कि डेंगू के मच्छर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि साफ पानी में बैठता है और फिर ये दिन में काटता है, अब कुछ लोगों में भ्रांतियां ये हैं कि कुछ खबर ये भी थी कि ये रात में भी अब काटने लगा है, ऐसे में रात में अगर जो मच्छर काटता है या दिन में अगर मच्छर काट रहा है तो बचाव के क्या उपाय हैं? क्या घर में जो कई बार हम अलाव जला लेते हैं या कुछ नीम के पत्ते डाल लेते हैं, क्या वो देसी उपाय काफ़ी हैं? क्योंकि कई बार देखा है हमने जो मच्छर भगाने की हम जो ऑल आउट की बात की जाए या कुछ भी ऐसा जलाते हैं या लगाते हैं तो वो खतरनाक रहता है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि डेंगू का मच्छर जो है अधिकतर जो है सुबह के वक्त एक्टिव रहता है जी। और ये मच्छर जो है अगर हमारे इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी केमिकल हैं या बस कुछ भी मॉस्किटो रेपेलेंट हम यूज करते हैं जी जी। उसे एलर्जी या कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है जी। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, यूज द नेट, हम जाली का प्रयोग करें जी सोते वक्त, ठीक है। रात के समय जो है कम चांसेस होते हैं लेकिन रात के समय भी मच्छर काट सकते हैं जी जी। दूसरा क्या होता है कि अगर हम बॉडी के पार्ट्स को एक्सपोज रखेंगे, खुला रखेंगे, नंगा रखेंगे तो वहां मच्छर के काटने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो हमें जो है फुल स्लीव्स
शर्ट्स डालनी है, बॉडी को कवर रखना है जितना हो सके, संभव हो सके। और इसके अलावा जो है कुछ क्या होता है, जैसे सरसों का तेल है जी, इस तरह से बॉडी पे एक्सपोज पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे मच्छर काटने की संभावना कम हो जाती है। ये तमाम उपचार हैं जो आप बता रहे हैं, ये बेहद उपयोगी भी हैं डॉक्टर कौशल, और बहुत आसान भी है, उपयोगी भी है। इसमें किसी तरह की एलर्जी केमिकल से होने की संभावना ना के बराबर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम उपयोगी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। डॉक्टर प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, खबर फास्ट को अपना समय देने के लिए। आपका डॉक्टर, में आज हम डेंगू की बात कर रहे थे, किस तरीके से आप बचाव करें, कौन सी वो तकनीक है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे थे। डेंगू से बचाव रखने के लिए साफ सफाई, स्वच्छता के साथ इम्यूनिटी का भी बेहद ध्यान रखना है, साथ ही खुद इलाज करने से बचें, हो सके तो डॉक्टर से कंसल्ट लें। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर मित्र, नमस्कार।